रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका और चीन में तनातनी बढ़ने की आशंका है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए नई आर्थिक पहल कर सकते हैं बाइडेन। आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्क में कमी कर सकते हैं बाइडेन। चीन के व्यापारिक दबदबे को कम करने के लिए बनाया है प्लान। आशंका है कि अमेरिका और चीन के बीच तनातनी और बढ़ सकती है। खबर है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्दी नई आर्थिक पहल करने जा रहे हैं, जिसे चीन के साथ अमेरिका के शीत युद्ध की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बाइडेन की नई आर्थिक पहल चीन के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर सकती है, उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को भी कम कर सकती है। दरअसल TPP प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के चारों ओर अवस्थित 12 राष्ट्रों का एक व्यापार समझौता है। इस समझौते के तहत अमेरिका, जापान, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मेक्सिको, चिली तथा पेरू आदि देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्क में कमी लाना है। इस समझौते के तहत प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रों को नजदीक लाने और चीन की क्षेत्रीय बढ़त के विरुद्ध एक सेतु पर बल दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में 12 इंडो पैसिफिक देशों के साथ ये कहते हुए ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप मुक्त व्यापार समझौते से खुद को अलग कर लिया था कि ये रोजगार का हत्यारा अमेरिका के लिए संभावित आपदा लाने वाला है। कोई भी देश चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था के नियम तय नहीं करने दे सकता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।